अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता है कि ग्रेटर नेपाल का मैप आने के बाद काफी हड़कंप मचा हुआ है पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडिया में काफी हड़कंप मचा हुआ है। तो मैंने एक अपना रिएक्शन देना था और आपके साथ एक बात शेयर करनी थी कि पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम पे ग्रेटर नेपाल और नेपाल के बारे में क्या सोचती है। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको आज इस वीडियो में पता चलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो अभी तक इंडियन मीडिया या नेपाल की मीडिया आपको अभी तक नहीं बता रही। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से तकरीबन कोई 10 दिन पहले एक मैप लॉन्च हुआ था इंडिया ने अपने संसद में या उसको जो हम पार्लियामेंट गया था उसके अंदर उन्होंने अपना एक मैप लॉन्च किया। अच्छा, उसके ऊपर जब कंट्रोवर्सी चली तो कंट्रोवर्सी के बाद क्या हुआ कि लोगों ने उसपे ये कहना स्टार्ट कर दिया कि यार ये जो है वो अखंड भारत है और अखंड भारत इंडिया ने पहले एक टाइम पे बोला था कि अखंड भारत को हम लेके रहेंगे, जिसमें से वो वापसी पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहेगा, वापसी कब्जा करेगा, जिसमें से नेपाल पे भी करेगा, इसमें से इंडिया पे भी करेगा। अब अखंड भारत में क्या है कि वो ये कहना चाह रहे कि हम पाकिस्तान को भी कब्जा करेंगे। और आपने इन दिनों में एक न्यूज काफी सुनी होगी कि वो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान का गिलगित बल्किस्तान, पाकिस्तान का कश्मीर ले, क्योंकि पाकिस्तान की इस टाइम पे कंडीशन काफी खराब है। अब वहीं पे ये मैप लॉन्च करने के पीछे दूसरा रीजन ये कि इस टाइम पे नेपाल की कंडीशन काफी खराब है, क्योंकि नेपाल की जो अनस्टेबिलिटी इस टाइम पे, वो गवर्नमेंट की भी अनस्टेबिलिटी, कोई सही तरीके से गवर्नमेंट नहीं चल रही, जो चल रही है बस वो ऐसे चल रही है कि धक्के से चल रही है। तो इसलिए भी उन्होंने ये मैप लॉन्च किया। अच्छा, जब कंट्रोवर्सी चली तो फिर एस जय शंकर जो भी है इंडिया का, उसने ये खबर जारी की, उसमें ये बताया कि यार ये एक अशोक चक्र का मैप है, अनडिवाइडेड इंडिया का मैप है, और हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम किसी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाह रहे कि इंडिया आजादी से पहले कैसे था, हम उस चीज को दिखाना चाह रहे हैं। उसके 8 से 10 दिन बाद एक नया मैप लॉन्च होता है और मैप लॉन्च होता है नेपाल की तरफ से, और नेपाल का जो काठमांडू सिटी उसका मेयर अपने ऑफिस के अंदर एक पॉलिटिकल मैप लगा लेता है जिसमें ग्रेटर नेपाल का मैप है, जो आज से तकरीबन कोई 200 साल या 300 साल पहले का जो नेपाल था उसका मैप। अगर आपको पता है कि 200 से 300 साल पहले नेपाल किस तरीके से था, उसके बारे में भी आप इसे बात करते हैं। 200 से 300 साल पहले जब अंग्रेज जो है हिंदुस्तान पे कब्जा कर रहे थे तो वो नेपाल पे भी कब्जा करना चाह रहे थे, बट नेपाल पे वो कब्जा नहीं कर पाए, और उसके बाद क्या हुआ कि वो सारी जो है ना नेपाल से कई सारी जगह ले ली, जगह लेने के बाद जो है वो नेपाल के लिए काफी प्रॉब्लम बन गया। नेपाल ने फिर क्या किया, नेपाल ने इसके ऊपर काफी बातचीत की बट नहीं मिली, आजादी हुई, आजादी के बाद जो है वो बहुत सारी जगहें जो है वो सारी जाके मिल गई इंडिया को, और आज भी उत्तराखंड के लोग, इंडिया के उत्तराखंड है, उसमें कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हम जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है, हम नेपाली है। और कल भी आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक इंडियन पॉलिटिशियन ये बात करे कि उत्तराखंड इंडिया का पार्ट नहीं है, नेपाल का पार्ट है, और नेपाल का पार्ट नेपाल को वापसी मिलना चाहिए। नेपाल ने जो नया मैप लॉन्च किया उसमें नेपाल ने अपनी वही सारी जगह जो तीसरे रिवर से दूसरी रिवर तक थी तो उसमें सारी जगह वापसी दिखा दी कि ये हमारी जगह थी और हम इसको लेने की कोशिश करेंगे लाजमी। तो ये थी सारी बात जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि यार इंडिया ने मैप लॉन्च किया, उसके बराबर में फिर क्या हुआ कि नेपाल ने लॉन्च किया, और नेपाल ने जब लॉन्च किया तो ये नेपाल के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और नेपाल ने फिर क्या कहेगा यार चलो हम भी अपना मैप लॉन्च करते हैं, तो पुराना मैप बट नेपाल ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक बन गया बालिंदर शाह के लिए, बालिन शाह के लिए, क्योंकि उसको आना था इंडिया आना था और इंडिया में अपनी वाइफ का इलाज करना था, तो बस उसके बाद कई सारे लोग उसके ऊपर बातें कस रहे और काफी सारे बातें कर रहे। तो अगर आज की वीडियो आपने देखी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब।